न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक नेता अपनी तिजोरी भरते हैं और फिर चुनाव आते ही वापस चुनावी हथकंडे अपनाते हुए वोटरों को लुभाने के लिए दारू शराब और पैसे बांटते हैं। ऐसा ही मामला सेमरिया से सामने आया है, जहां विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा प्रत्याशी रेखा सतीन सिंह गुड्डा की दबंगई सामने आई है। बताया जाता है कि विधायक सेमरिया के कृपा पात्र हैं, जिनके द्वारा बिलहा टोला आदिवासी बस्ती में शराब का खुलेआम वितरण करवाया जा रहा था, जिसमें पवन मिश्रा राहुल मिश्रा के द्वारा शराब बांटकर वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था। यह भी बताया जाता है कि युवक बिलहा के ही निवासी हैं, जिन्हें वहां के लोगों ने पकड़ लिया तो भागने का प्रयास किए, वहीं तलाशी लेने पर शराब बरामद हुई है। अपने गुर्गों के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही सरहंग वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी रेखा सतेंद्र सिंह गुड्डा अपने 40 समर्थकों के साथ पहुंचे और बिलहा में लोगों को डराया धमकाया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रत्याशियों के द्वारा शराब का वितरण किया जाता है, जिसे आप देखकर स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि जनता की सेवा के नाम पर किस तरह से नेता शराब पैसे बांटकर अपनी औकात दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वोटरों को सामने आना होगा और अपने मत की कीमत बतानी होगी। देखिए वायरल वीडियो। हमारे साथ यही होगा, आप सब रहे दारू दारू तो हमारे साथ यही होगा, थोड़ा तुलसी दारू दारू तो दारू दिखाई दारू दिखाई दारू।